चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। दोस्तों गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आज भी लाया हूँ, एज ऑलवेज आज भी लाया हूँ, और आपको आज भी भर भर के लाइक करने हैं। प्लीज़ कर दो, प्लीज़ मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ कर दो। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करेंगे टेक न्यूज़ की, उससे पहले बता दो दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरा नाम है वारिन नकलानी और आप देख रहे हैं VHL दी अमेज। और अगर नए हो तो एक चीज़ करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन बजाए ऑल कीजिए ताकि वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फटाफट से जैसे ही मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर पहली खबर की बात करते हैं तो वो खबर आ रही है यहाँ पर, मतलब खबर नहीं, आज Xiaomi ने तहलका मचा दिया, मतलब सबको हिला के रख दिया है। मतलब इतना ख़तरनाक फ़ोन है Redmi Note 8 Pro, उसकी प्राइस कितने में, #15,000 स्टार्टिंग, ओ माय गॉड। और वो भी 4664 भी इस बार नहीं आया, मतलब 4GB RAM भी इस बार नहीं आई। ये फ़ोन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि 21 अक्टूबर से आपको मी होम स्टोर्स, Amazon एंड मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग तो आएगी मेरी तरफ से। और वैसे क्या आप एक्साइटेड हैं Redmi Note 8 Pro के लिए? वो मैंने कल Instagram पर पोल रखा था, कल रात को आफ्टर टेक न्यूज़, मतलब कि टेक न्यूज़ दी उसके बाद मैं पोल रखा था Instagram पे, तो यहाँ पे मत चेक करना। और कुछ 72% ने लोगा कि भाई हाँ हम एक्साइटेड हैं, और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने बोला नहीं हो एक्साइटेड, नहीं है एक्साइटेड। मतलब ये फ़ोन तबाही मचाने वाला है। एंड मैं यहाँ पर आपसे क्या बताऊँ इस फ़ोन के बारे में, मतलब आपको हर एक स्पेक्स तो पता ही है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज़। एंड हाँ, Redmi Note 8 Pro के साथ में Note 8 लॉन्च हुआ, MIUI 11 लॉन्च हुआ, और उनका एक मी एयर प्यूरीफायर जो है वो भी लॉन्च हुआ, और जो कि ऐसा Xiaomi क्लेम करते हैं कि वो 99.97% तक आपको एयर जो है वो साफ़ देगा, प्यूरीफाइड एयर। ये सब चीज़ें लॉन्च हुई है और उसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 6,500 है, जो मी का एयर प्योरीफायर है। उसमें कुछ OLED डिस्प्ले भी है, उसमें आप कस्टमाइज़ कर पाओगे। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली खबर आ रही है यहाँ पर नूबिया से, एंड आज तो एक धमाका हुआ ही, कल एक और धमाका होगा। नूबिया रेड मैजिक 3S कल लॉन्च हो रहा है इंडिया में, और उसकी फ्लिपकार्ट पर एक पेज आया है नोटिफाई का, उस पर उसकी प्राइस आ चुकी है, और इट्स ओनली ₹35,999, मतलब कि 36,000 का ये फ़ोन हो है, मतलब अब तक का तो सबसे चीपेस्ट फ़ोन है। एंड आपको इसके भी सब स्पेक्स पता है, 855+ वाली डिस्प्ले, 90Hz वाले 855+ वाला प्रोसेसर, 90Hz वाले डिस्प्ले, बहुत कुछ है। उसके बारे में भी कल आपको मैं अपडेट दे दूंगा कि क्या क्या और किया नूबिया ने धमाके। ऐसे क्या आप एक्साइटेड है नूबिया रेड मैजिक 3S के लिए, यहाँ मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर अगली खबर की बात करते तो वो आ रही है यहाँ पर ऑनर से, और ऑनर का ट्विटर पे एक पेज आ गया है कि भाई ऑनर 9X आ रहा है, द अर्ली बर्ड उसको कुछ नाम दिया है। वैसे बहुत ही मज़ेदार फ़ोन है, उसका जो स्कोर है वो N22 वाला वो Redmi Note 8 Pro से भी ऊपर है, उसमें Kirin 810 है कुछ, तो ये भी बहुत एक्साइटेड होगा। और ये भी शायद से 20,000 के नीचे ही होगा, क्योंकि उसको Redmi Note 8 Pro को टक्कर देनी है इसलिए। और मतलब अभी Realme तो पूरा हिल गया होगा, मतलब क्या लॉन्च कर दिया, वो सोच रहा होगा अरे बाप रे Xiaomi ने क्या लॉन्च कर दिया, मेरा क्या होगा। दोस्तों बहुत मज़ेदार फ़ोन है। वैसे क्या आप एक्साइटेड हैं ऑनर 9X के लिए, उसमें पॉपअप कैमरा वगैरह आने वाला है, तो वो भी शायद हाँ, वो उसका प्रोसेसर भी बहुत पावरफुल है, एंड वो भी
शायद से 20,000 के नीचे होगा, मेरी गेस आपके लिए। वैसे आपकी गेस क्या है कि Honor 9X कौन कितनी प्राइस पे इंडिया में लॉन्च हो सकता है, कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगली टेक न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगली खबर आ रही है Fortnite की तरफ से। Fortnite का जो चैप्टर 2 है, मतलब कि आपको पता है कि मैंने कल या परसों बताया था आपको कि भाई Fortnite ब्लैक होल में चला गया है, लेकिन क्योंकि वो अपडेट के लिए गया था, मतलब उसका नया जो सीज़न आने वाला है उस चीज़ के लिए, एंड नया सीज़न आ गया, उसमें क्या कुछ नया, अभी आप स्विम कर पाओगे, बोट चला पाओगे, नए नए गन्स हैं, नए नए मैप है, बहुत कुछ है। और पब अगर Fortnite ये सब अपडेट ला रहा है तो PUBG कहाँ पीछे रहेगा। जी हाँ, PUBG का भी आज अपडेट आ गया, लेकिन उसमें एक गड़बड़ है शायद से, ये मेरे साथ हुआ है, मैं देखूँगा किस मेरे दोस्तों को पूछूँगा क्या उनके साथ भी ये हुआ है। मतलब उसमें बोला था कि इसमें एक पैरालॉग करके एक मोड आएगा जिसमें आप चॉपर को उड़ा पाओगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। चॉपर मुझे दिख ही नहीं रहा है, मतलब है ही नहीं, तो मैं कैसे उड़ाऊँगा। वैसे PUBG मोबाइल में भी बहुत कुछ आया है, अपडेट्स बहुत कुछ आए उसमें भी, कुछ मिलिट्री की टैंक वगैरह कार जैसी है वो आई है। उसके बाद आप एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर पाओगे, TDM मोड में आप स्लाइड कर पाओगे, एंड थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया है TDM का जो वॉर हाउस मैप है उसको। बहुत कुछ आया PUBG में भी, मुझे ब्रीफ आउट करना पड़ेगा, मुझे ये टेक न्यूज़ चली जाएगी, इतना कुछ आया उसमें। वो अभी आप ही देख लो अपडेट किया है या नहीं किया। अगर आपने खेला है Fortnite या PUBG तो ज़रूर से बताइएगा, नया वाला जो अपडेट किया है, अपडेट वाला है वो ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टेक न्यूज़ की, तो वो आ रही यहाँ पर Realme से। दोस्तों Realme, मैंने कल आपको बताया था कि भाई ये मिड नवंबर तक आ जाएगा इंडिया में, मेरी एक्सपेक्टेशंस है, गेस है। और जी हाँ दोस्तों, अब वहाँ पर पेज आ चुका है ट्विटर पर कि भाई Realme X2 Pro आ रहा है नवंबर 20th को। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ करीब एक ही महीना बचा है, नज़दीक ही है। ये भी फ़ोन धमाकेदार होने वाला है और ये भी सस्ता होने वाला है। Nubia Red Magic 3S है अभी तक का 855 प्लस वाला सबसे चीपेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन, लेकिन अब बन जाएगा आफ्टर 20 नवंबर से Realme X2 Pro बन जाएगा। हालांकि ये Redmi Note 8 Pro के कंपैरिजन में तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि उसकी प्राइस तो बहुत ही Redmi Note 8 Pro से तो काफ़ी हाई है। एंड अब चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। तो खबर आ रही है यहाँ पर गूगल से, और कल न्यूयॉर्क में आपको पता है गूगल पिक्सल 4 लॉन्च हो गया, 4 और 4 XL, एंड काफ़ी अच्छे फ़ोन से वो भी, एंड उसके साथ में कुछ उनका गूगल गो करके कुछ लैपटॉप है वो लॉन्च हुआ, गूगल के बड्स लॉन्च हुए, ईयरबड्स, काफ़ी कुछ लॉन्च हुआ। लेकिन एक जो बुरी खबर है वो आ रही है यहाँ पर, क्योंकि भाई गूगल पिक्सल 4 आप सबको ख़रीदने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंडिया में आ ही नहीं रहा है। अब आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो आए आए आए, आप बोल सकते हो कि भाई वो आ जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें जो फ्रंट सेल्फी सेंसर है वो कुछ सोली वगैरह का कुछ सेंसर है, जितना पता है उतना बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर समझ नहीं आ रहा, और वो कुछ 60Hz की पता नहीं कुछ तो है, वो 60Hz का आता है, और जो इंडिया में अलाउड नहीं है, मतलब कि हम लोगों को अलाउड नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस वजह से नहीं आ पाएगा, अब मिल पाएगा आपको गूगल पिक्सल 4 या 4 XL। वैसे भी दोस्तों गूगल 4 और पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL आ जाए तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी प्राइस ही इतनी हाई है। न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ है कुछ, जो उसकी गूगल पिक्सल 4 XL को तो जाने ही दीजिए, पिक्सल 4 को ही रखिए,
तो वो भी 59,000 या 58,000 का फ़ोन है। अब इतना खर्चा करोगे तो फिर आई थिंक 1+70 Pro मैक्लारेन एडिशन ही आप ले लो, या फिर 1+70 Pro ही ले लो। और 4XL जो है वो तो कुछ 80-90 हज़ार तक जाता है, मतलब ये वर्थ नहीं होगा। अब पता नहीं, गूगल भी एप्पल के पीछे पीछे जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, और गूगल के पीछे नोकिया जा रहा है, नोकिया भी महंगा महंगा होता जा रहा है, क्योंकि छोड़ी जा रही है। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। और अगर आपको आज की टेक न्यूज़ अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि भाई आज आपको कौन सी टेक न्यूज़ अच्छी लगी और कौन सी किस चीज़ के लिए आप रुके हुए हो, मैं आपको हर बार पूछता हूँ। तो दोस्तों बस एक न्यूज़ ख़त्म होती है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिएगा इन सब से रिलेटेड, या फिर कोई भी जो एक न्यूज़ से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। टिल देन अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।